तो अभी शुरू करते हैं आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आज की क्लास जो है हम जरा इस पे देखते हैं कि स्मार्ट आर्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था, मजीद स्मार्ट आर्ट हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें मजीद स्मार्ट आर्ट के लिए हम यहाँ जाएंगे स्मार्ट आर्ट में, और हमारे पास एक स्मार्ट आर्ट है जिसका नाम है हायरार्की। हायरार्की का जो स्मार्ट आर्ट है उसमें आपको डिफरेंट किस्म के हायरार्की मॉडल्स नजर आएंगे। हायरार्की मॉडल्स में ये होता है कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को शो करना चाह रहे हैं उसका ऑर्गेनोग्राम, के वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, या फिर हम कोई भी अपना जो है आपका शजरा शो करना चाहते हैं, या किसी चीज के बारे में भी इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये इसकी टॉप, इसके अंडर में कौन क्या क्या चीजें आती हैं, तो इस तरह के मॉडल्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले बुनियादी मॉडल लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि भाई एक इदारा है, उसमें सबसे टॉप लेवल पर आ रहा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंडर में कौन कौन आता है? एक आता है क्लर्क आते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडमिन स्टाफ, ठीक है, उनके अंडर में ये आ रहे हैं। और दूसरा आता है टीचिंग स्टाफ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टीचर्स, ठीक है। अब एडमिन स्टाफ में कौन कौन आता है? क्लर्क आता है, ठीक है, और इसके अलावा उसमें और कौन आ रहा है क्लर्क के अलावा? अकाउंटेंट आ रहा है, ठीक है। और अगर और मजीद सपोर्टिंग स्टाफ है तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टीचर्स के अंदर जितने टीचर्स हैं, तो यहाँ पर टीचर के लिए एक आ गया सपोज, तो भी इंग्लिश टीचर इसके अंडर में आ रहा है। अब मजीद इसको किस तरह से एक्सपैंड किया जाएगा उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि अगर मिसाल के तौर पे हमें इसके पैरेलल कोई शेप चाहिए, इसके पैरेलल, तो ऑप्शन से इस चीज को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि एड शेप, और एड शेप के बाद कहेंगे आफ्टर। तो जैसे एड शेप आफ्टर किया तो उसके पैरेलल एक और शेप ऐड हो गया, और उसमें जाके अगर हमें कुछ टाइप करना है तो यहाँ से टास्क पेन को भी एक्टिवेट किया हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज कोई ड्रॉइंग टीचर, ठीक है। मजीद इसके पैरेलल ऐड करना है तो फिर ये ऐड शेप आफ्टर और भी ऐड हो गया, और इस पे हमने ऐड कर दिया सपोज कोई कंप्यूटर टीचर आ गया इसके साथ। तो इस तरह से हम चीजों को कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर टीचर्स के पैरेलल भी किसी को ऐड करना है तो सेम ऑप्शन यूज करेंगे, ऐड आफ्टर, ऐड बिफोर। अच्छा, ऐड अबव, ऐड बिलो कब यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर के या क्लर्क के, अंडर में दो बंदे आते हैं, ठीक है, तो क्लर्क के अंडर में ऐड किया, ऐड आफ्टर कर दिया हमने यहाँ से, ऐड आफ्टर दिस शेप, तो उसके बाद है ऐड ब्लू दिस शेप। तो ऐड ब्लू दिस शेप करेंगे तो उसके अंडर में यानी कि उसके नीचे ऐड हो गया, और वो बंदा कौन है? एक स्वीपर आता है, और दूसरा इसके बाद दोबारा हमने एक दो ऑप्शन है यहाँ से, इसके आफ्टर भी कर सकते हैं और उसके ब्लू भी कर सकते हैं, तो ऐड शेप ब्लू कर सकते हैं यहाँ से, और दूसरा आता है स्वीपर के साथ साथ, इसमें एक आता है ऑफिस बॉय, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से बिलो एंड आफ्टर कर सकते हैं। अब सेम सेम चीज हम करेंगे टास्क पेन के जरिए। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आए, क्लिक किया मैंने से बाहर, और यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक ब्लैंक किया पेज पे जाके, और यहाँ से ऐड करा दिया, यहाँ पे क्लिक किया इंसर्ट में गए, और यहाँ से स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है ये हायरार्की का वर्टिकल मॉडल, ये देखिए सारे हॉरिजेंटल मॉडल है, इसका एक वर्टिकल मॉडल है, ये वाला वर्टिकल मॉडल लिया और इस पर हमने क्लिक किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं मिसाल के तौर पे टास्क पेन के जरिए, तो मैंने ये पहले डिलीट की मदद से सारे के सारे डिलीट कर दिए। अब हम कंप्यूटर को थोड़ा सा हायरार्की में लिख रहे हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर के दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, टैब हार्डवेयर, एंटर सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर पे आ गए यहाँ से, ठीक है, और एंटर टैब। अब इसमें आती है इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और यहाँ से किया आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और यहाँ से किया स्टोरेज डिवाइसेस, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से सॉफ्टवेयर के आते हैं एंटर टैब, और आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और फिर हम आ गए इनपुट डिवाइसेस में, कौन कौन से डिवाइसेस आती है? एंटर टैब, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, और भी आती है कैमरा, माइक्रोफोन, और इस तरह आउटपुट डिवाइसेस में कौन सी आती है? एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर्स, ठीक है, और स्पीकर्स, ये सारी हमारी आउटपुट डिवाइसेस आती है। देखिए खुद ही मेंटेन करता जा रहा है। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे।
क्लिक किया यहाँ से तो स्मार्ट डिजाइन एक्टिवेटेड है। कलर स्कीम को थोड़ा सा चेंज किया हमने यहाँ पे, कलर स्कीम में हमने ये कलर स्कीम को चूज कर लिया, कोई भी इस तरह से कलर स्कीम ले सकते हैं। उसके बाद हमने दोबारा से इस पर क्लिक किया और यहाँ पे स्मार्ट डिजाइन पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स हैं, और यहाँ पे क्लिक करके इसको राइट टू लेफ्ट कर दे, लेफ्ट टू राइट कर दे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कर दे, यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एट शेप आफ्टर एंड एट शेप बिफोर वही ऑप्शन है जैसे आप देख रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से हमारा मॉडल बन जाएगा। अच्छा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और मजीद हम करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, किसी शेप को पकड़ के आप इस तरह से अलग कर सकते हैं और इस तरह से उठा के उसको एक यहाँ पे रख सकते हैं और इसको उठा के एक को इसके नीचे बिल्कुल पैरेलल ऐसे भी सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा काम जो है ना और मजीद एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है तो ये देखिए इस तरह का मॉड्यूल भी आप इस पे क्रिएट कर सकते हैं। और बाद में अगर इसका डिजाइन चेंज करना चाहें तो जैसे आप इसको वर्टिकल मॉडल से हॉरिजॉन्टल मॉडल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। और अगर दोबारा से आप इसको इस मॉडल में कन्वर्ट करना चाहें तो वंस अगेन इसको दोबारा से इस मॉड्यूल में भी ये कन्वर्ट कर सकता है। सिमिलरली इस तरह के भी मामला को अगर आप चाहें कि इसको मैं पिक्चर वाले एक मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दूँ तो ये पिक्चर वाला मॉड्यूल है, इसके अंदर ये इनके डेजिग्नेशन भी लिखे हुए आ रहे हैं और यहाँ से आप डबल क्लिक करके इनमें पिक्चर्स भी ऐड करा सकते हैं, व्हाटएवर मैं शो करना चाहता हूँ, दिस वन इज प्रिंसिपल एंड दैट वन द एडमिन, तो ये सारी चीजें भी मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। ठीक है तो इस तरह से हम चीजों के अंदर भी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला भी समझ में आ गया आपको, ठीक है तो ये वाला मॉडल हायरार्की वाला कहीं पे भी किसी चीज का ऑर्गेनोग्राम या मुख्तलिफ चीजों को शो करने के लिए शो होता है। एक और बताता हूँ आपको फिर देखते हैं इसके आगे। एक है हमारे पास रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप भी और एक साइकिल भी है। अब रिलेशनशिप और साइकिल में हम देखते हैं, पहले साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम इस डायग्राम को, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, तीनों को एक ही मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ हमें समझना होगा कि किस तरह से, ठीक है। जैसे इस वाले डायग्राम को ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, इसको ओके कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या कह रहा है, ये हमें कुछ कह रहा है कि भाई कोई ऐसी चीज बताएं जो यहीं से कनेक्टेड होती हूँ, ऐसा कोई सब्सटेंस हो, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन हो, ऐसा कोई कमांड हो, ऐसा कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट हो जिससे ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होंगे। जैसे हम ये कहते हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से कौन कौन सी फील्ड्स निकलती है, जैसे हम ले लेते हैं BS IT, ठीक है, CS, BSCS के बाद है BSCS, BSCIT, ठीक है, और BCS। तो ये सारी फील्ड जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो ये ग्रेजुएशन कहलाती है कंप्यूटर साइंस के अंदर। क्या आप BCS करते हैं, BSCS करते हैं, BSCIT करते हैं, BSIT करते हैं, दिस इज, और ये सारी चीजें वो कहलाती है। और एक कहलाती है BSBECS, ठीक है ना, ये भी कहलाती है BECS भी कहलाती है। ये सारी डिग्रीज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। आया कुछ पॉइंट समझ में आया? इस तरह के जितने मॉड्यूल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अब इसको, इसी मॉड्यूल को आप इस पे कन्वर्ट करके देख लें, ठीक है, इसी मॉड्यूल को आप इस पे कन्वर्ट करके देख लें, तो ये सारी चीजें आपको एक ही चीज की तरफ इशारा करेंगी, पर जो आपका आइडिया है वो किसी में भी फिक्स हो सकता है जिसमें आप चाहे उसको फिक्स करना चाहें। इस तरह आप बता सकते हैं कि भाई ह्यूमन, अब ह्यूमन में क्या होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, बॉय होता है, गर्ल होता है, अब उसके मुख्तलिफ स्टेट्स लिख सकते हैं। ह्यूमन साइकिल बता सकते हैं। अब ह्यूमन साइकिल कैसे बताएंगे आप? ह्यूमन साइकिल को बताने के लिए आपको इसके अंदर एक प्रॉपर और भी हायरार्की मिल जाएगा, साइकिल मिलेगा, जैसे ये वाला। अब ये देखिए ह्यूमन साइकिल आप इसके अंदर पूरी डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी पूरा साइकिल आप बता सकते हैं कि भाई पहले वो ऐसा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर दोबारा से साइकिल शुरू होती है। साइकिल मतलब जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई और वो खत्म हुई फिर वहाँ से शुरू होगी, इस चीज़ को हम साइकिल कह रहे होते हैं। तो यही चीज़ें हम इसमें यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं स्मार्ट आर्ट से, बस डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं, उनको डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करना होता है और इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ईजी है शेप से, क्योंकि इसमें बने बनाए लेआउट्स हैं और अपना कोई भी आइडिया आप इसके अंदर इजीली फिक्स कर सकते हैं, ठीक है।